हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो G54 फ़ोन है, तो मोटो G54 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग है, तो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को आप कैसे ऑफ़ कर सकते हैं मोटो G54 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। जैसे अगर आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है तो उसको आप कैसे ऑफ़ कर पाएंगे मोटो फ़ोन में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन हैं, शोर हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन ओपन आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी। तो जो आपके फ़ोन में मोटो G54 फ़ोन है, तो मोटो G54 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने फ़ोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को ऑफ़ करते हैं, तो आपको सेटिंग्स पे नहीं जाना है, आपको फ़ोन आइकन सेटिंग्स पे जाना है। जैसे आप कोई भी कॉल्स करते हैं या आपके फ़ोन में कोई भी कॉल आती है तो ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्डिंग को ऑफ़ कैसे करेंगे, तो आपको 3 डॉट पे जाना है, सेटिंग्स को ओपन करना है। तो ओपन करते ही हमारी जो ऑटो सेटिंग्स से है फ़ोन की ओपन हो जाएगी। फिर ऑटोमेटिकली सेटिंग पर जाकर यहाँ से जो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है इसको आप यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। जब आप इसको ऑफ़ कर दोगे तो जो कॉल रिकॉर्डिंग है ऑटोमेटिकली नहीं रिकॉर्ड होगी क्योंकि हमने इसको ऑफ़ कर दिया, और जब आप इसको ऑन करते हैं तो इसके जरिए आप ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्डिंग को ऑफ़ कर सकते हैं। कोई भी नंबर से आपके फ़ोन में आ रखा है और उसकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है हमारे फ़ोन में ऑटोमेटिकली होने लगेगी, तो ऑफ़ कर देंगे तो नहीं होगी। इस तरीके से आप ऑटो कॉन्टैक्ट रिकॉर्डिंग को भी आप ऑफ़ कर सकते हैं। ऐसे कोई भी कॉन्टैक्ट आपने ऐड कर रखा है तो यहाँ से ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट रिकॉर्डिंग को भी आप ऑफ़ कर सकते हैं, तो कोई भी कॉन्टैक्ट रिकॉर्डिंग आपके फ़ोन में शो नहीं करेगी। तो इस तरीके से आप ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को ऑफ़ कर सकते हैं मोटो G54 फ़ोन में। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू।